हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सूबे के हर शहरी वार्ड पंचायत के वार्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ नल जल योजना सहित नाली गली योजना, सड़क निर्माण इत्यादि का किया उद्घाटन। हर जगह प्रोजेक्टर टीवी लगा, लोगों ने देखा कार्यक्रम। उद्घाटन एक छलावा, जन अधिकार पार्टी ने शिलान्यास पट पर काली पोत, जताया विरोध। विकास के उद्घाटन के बीच एक सड़क का हाल बेहाल, विकास को मुंह चिराती ये सड़कें वर्षों से इंतजार में कि लोग इस पर आराम से चल सके। और महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्ष के दावे, महापौर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त तो विपक्षी खेमा का भी लगातार जोर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नल जल योजना, जो नाली सड़क योजना है, उसका एक साथ वर्चुअल ढंग से उद्घाटन किया। दरभंगा शहर के 4800 वार्ड, बेनीपुर नगर परिषद और हर पंचायत के हर वार्ड में जो है प्रोजेक्टर और टीवी लगाया गया और वहां के जो जन प्रतिनिधि है उनके साथ जनता ने मुख्यमंत्री के उस उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, भाग लिया। एक साथ इतनी बड़ी योजना और इसका उद्घाटन जगह जगह नगर निगम कार्यालय से लेकर हर वार्ड में और फिर पंचायत में हर जगह प्रोजेक्टर पर दिन में 12 बजे लोग जुटे रहे मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने। करोड़ों रुपए की योजना, नल जल योजना और नाली गली सड़क योजना। पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल एवं हर घर तक पक्की गली नालियां योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इन योजनाओं पर 814 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। योजना शुरू करने में कई बाधाएं सामने आई। हर वार्ड तक शुद्ध जल पहुंचाने की योजना बनी, बाद में हर घर नल तक जल पहुंचाने की योजना बनाकर हर घर नल का जल पहुंचाया गया। सितंबर तक अधूरे काम पूरा करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। शहर में यही काम अमृत योजना के तहत हो रहा है। अमृत योजना में 11 प्रकार के काम की योजना के तहत यह पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि इस साल बारिश अच्छी हुई है, इसलिए हमें भूजल का स्तर कायम रखने की जरूरत है ताकि लोगों को कहीं भी पानी की किल्लत ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन उद्घाटन के जरिए अपने संबोधन में कहा कि लोगों के लिए तीन तरह से पानी की व्यवस्था हो रही है, इसके लिए भी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिले में जितने भी तालाब पोखर है सबका जीर्णोद्धार करना और सार्वजनिक स्थल के कुओं के साथ चापाकल को भी ठीक करके रखना शामिल है। पीएचईडी ने 51 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है और 7 निश्चय योजना के तहत लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इशारों में लालू राबड़ी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने योजना का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि चुनाव का समय है, आप लोगों को गुमराह करने के लिए कई तरह के बहुरूपिये आएंगे, लेकिन आप उनके झांसे में मत आइएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या कहता है हम उस पर ध्यान नहीं देते और ना रुचि नहीं लेते, हम तो बस अपने काम पर ध्यान देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उनके शासनकाल में यह सब काम नहीं हुए थे, हमने 2020 तक का अपना टारगेट पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से राशि बढ़ाने की मांग की गई है, सरकार ने पंचायतों को अधिकार दिया है, मुखिया की देखरेख में निर्माण कार्य हो रहा है, हर पंचायत में आधुनिक भवन बन रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को रोजगार की पहल की जा रही है, महिलाओं की मांग पर बिहार में हमने शराबबंदी की, इसका काफी अच्छा परिणाम सामने आ रहा है, लड़ाई झगड़े बंद हो गए और अब सभी खुशनुमा माहौल में अपने घरों में रह रहे हैं। साफ सफाई से 90% बीमारी मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की दिशा में बड़ा काम किया है। 7 निश्चय के तहत हम लोगों का भी शौचालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोग अगर साफ सफाई भी रखे तो 90% बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। दरभंगा की बात की जाए तो यहाँ जिले में 78.38 करोड़ रुपए की लागत से 409 वार्डों में जलापूर्ति योजना का शुभारंभ कराया गया। इन योजनाओं से 64,662 घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है, जिसमें बेनीपुर प्रखंड के 67, बिरौल प्रखंड के 43, घनश्यामपुर प्रखंड के 24, जाले प्रखंड के 42, केवटी प्रखंड के 31, मणिगाछी प्रखंड के 40, सिंहवाड़ा प्रखंड के 26, सदर प्रखंड के 20, बहादुरपुर प्रखंड के 32, हनुमाननगर प्रखंड के 30, बहेरी प्रखंड के 8, हायाघाट प्रखंड के 30, अलीनगर प्रखंड के 5 और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 11 वार्ड शामिल हैं। वहीं अगर पंचायती राज विभाग की बात की जाए तो दरभंगा जिला के 3,339 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। संबंधित वार्डों में योजना का लोकार्पण किया गया तथा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। जिला स्तर पर समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर भवन सभागार में लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण का आयोजन किया गया। नगर निगम सभागार में, वहीं जिला परिषद के जिला परिषद सभागार में और अगर पंचायत के प्रखंड स्तर पर बात की जाए तो विभिन्न पंचायतों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में भी सीधा प्रसारण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे। कई जगह इसका विरोध भी हुआ। वार्ड नंबर 29 में पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को दिखावा साबित किया और कहा कि यह भ्रष्टाचार है। जो 1 से 48 वार्ड में उद्घाटन है वह ये भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने का अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस जगह का उद्घाटन हो रहा है वहां पहले 18 महीने कार्य संपन्न हो चुका है और ये बिल्कुल चुनावी उद्घाटन है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को वार्ड नंबर 29 के पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद ने सिर्फ एक छलावा कहा है, शिलापट पर कालिख पोती, और इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार चुनावी दौर में विकास के नाम पर 1 से 48 वार्डों में जो उद्घाटन का दिखावा कर रहे हैं, असल में यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस जगह का उद्घाटन हो रहा है वहां पर 18 महीने पहले ही कार्य संपन्न हो चुका है और उसकी अनियमितकरण की जानकारी नगर निगम को भी दी जा चुकी है। संवेदक का पैसा रुका पड़ा था मगर दिखावे के नाम पर उद्घाटन किया जा रहा है ताकि दोबारा पैसा निकाल कर उसका गबन किया जा सके।
जबकि बगल में जो रोड कोखे आजम से लेकर मुजफ्फर कर्मचारी तक बना था उसी योजना में उसका उद्घाटन नहीं किया गया। इससे साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त नगर निगम के कर्मचारी राशि का उगाही कर इसका बंदरबांट करेंगे। आखिर इस तरह के पत्थर का बोर्ड लगाकर लाखों का घोटाला हो रहा है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी द्वारा विकास के नार में फर्जी उद्घाटन कर चुनावी प्रचार कर लाखों लाख का लूट करा रहे हैं। वार्ड 29 में 18 महीने पहले ही बने सड़क का ऑनलाइन माध्यम से फर्जी उद्घाटन कर सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने एवं पैसों को बर्बाद करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस तरह नगर निगम के कार्य में अनियमितकरण करने पर कार्य को रोक जांच कराने के साथ पूर्ण रूप से कार्य कराने के लिए दिए गए आवेदन को दबाकर जैसे तैसे कार्य करने के साथ नाला निर्माण का कार्य किए बिना राशि का भुगतान भी हो गया और आज दूसरी बार उसी कार्य का उद्घाटन 6,45,000 रुपये प्राकृत राशि से निर्मित योजना का उद्घाटन कर बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। जहां एक तरफ आज भी शहर से लेकर गांव तक कई ऐसे परिवार हैं जिनका राशन कार्ड सरकार ने बंद कर दिया है और ऐसे गरीब परिवार पिछले कई महीनों से भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन गरीब को राशन नहीं सिर्फ भाषण मिल रहा नहीं हो रहा है। जो सड़क आज से 18 महीना पहले बन के तैयार हो गया, नाला बन के तैयार हो गया, इसकी राशि की निकासी हो गई, जबकि राशि की निकासी पर इस पर आवेदन दिया गया था कि इसकी राशि की जो जब रोड और नाला बना है तो इसमें अनियमितता हुई है, जिसके खिलाफ मेयर को, इंजीनियर को और नगर आयुक्त को इसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया, उस पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। और फिर जबकि वो राशि 7.5 लाख की थी और अभी की राशि, नई राशि 6,45,000 की फिर दे दी गई है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये देखिए सामने ये लिखा हुआ 6,45,000 के रूप से, ये कौन सी राशि आई है? ये नई राशि नगर निगम सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा है। बने हुए रोड का उद्घाटन करवा रहा है जो कि 1.5 महीना पहले, क्या कह रहा है कि 18 महीना पहले हो गया था, और जब लगना था पट काम होने के पहले, ये नगर निगम के नॉर्म्स में कोई भी ठेकेदार जब काम करेगा तो वो शिलापट का उद्घाटन करवाएगा, शिलान्यास करवाएगा, जिसके अंदर राशि होगा, कौन ठेकेदार है वो होगा, और उसके बाद काम कब से शुरू और कब खत्म होगा उसके बारे में बताता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो भी ठेकेदार आए मनमानी करता है, नगर निगम उसका पैसा निकाल के देता है। मेरा सवाल सीधे तौर पर यह डीएम महोदय से कि इसकी जाँच होनी चाहिए, और जब तक इसकी जाँच हो, जब तक नहीं हो तब तक ये पैसा निकासी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नगर निगम में हमेशा होता आया है कि नगर निगम के मिली भगत से राशि का जो बंदरबांट हो जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक जगह की तस्वीर की किस तरह शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ वर्षों से हो रहा है, और ये है सरकार के विकास की तस्वीर। ये सड़क देखिए, पुरानी मुंसफी रोड वार्ड नंबर 24 और 25 के बीच का, कितने बार शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। 3 महीना पहले महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने इसका शिलान्यास किया था। हालांकि इससे पहले भी कितनी बार शिलान्यास हो गया, अतिक्रमण हटा, लेकिन ये सड़क देखिए, ये नीतीश सरकार के विकास के जो दावे है उसका तार तार कर रहा है। और यह तस्वीर है नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 24 एवं 25 का इलाका पुरानी मुंसफी, जिसमें 3 महीना पहले महापौर बैजंती देवी खेड़िया भी शिलान्यास की थी, उद्घाटन की थी कि यह योजना जोरों शोर से चलेगा और इस पर काम भी शुरू करवाया गया था। शिलान्यास के बाद ही यह सड़क, हालांकि कहा जा रहा है कि इस वार्ड में कई बार शिलान्यास हुआ और कई बार काम रुक गया। यह है मुख्यमंत्री के विकास के दावे। रोड लेसन सलीमा जा रहा है, ठीक है, वो रोड बना नहीं है, वो आज उद्घाटन हो रहा है। इससे पहले भी उद्घाटन हो चुका है, उद्घाटन करने के बाद फिर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहा है, मगर इससे पहले बारिश के वजह से बहाना था रुकने का, अभी भी बारिश हो रहा है तो काम मगर हो रहा है। इससे पहले बरसात में भी हो सकता था, इससे रोड का आदमी तबाह हो चुका है। सबके सामने में है रोड की स्थिति और रोड बनने की बात सबके सामने में, समाज बदल रहा है और देश वर्चुअल रैली की ओर जा रहा है।
वर्चुअल तमाम चीज हो रहा है। नीतीश जी बैठ के पटना में उद्घाटन कर रहे हैं पूरे बिहार का, और पता लगाइए और देखिए आप, ये रोड दूसरा बार उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ का लोग परेशान है इस रोड से, अब बैठ के नाटक कर रहे हैं पटना से। इनको समझना होगा वोट की राजनीति नहीं चलने वाला है, पहले इसको पूरा करो तब उद्घाटन करो, तब कोई बात होगी, अन्यथा नाटक से समाज चलने वाला नहीं है। ये रोड राम जानकी मंदिर होते नागानंद नेशनल चौक तक जाती है, ये रोड बना नहीं है, उद्घाटन कर रहा है अभी आके, इसका क्या महत्व है, ये रोड का क्या होगा? ये रोड उर्दू बाजार से नेशनल सिनेमा के रूट इधर जाती है, और ये रोड बनी नहीं है, पूरा कीचड़ है इस रोड में। और ये माननीय नीतीश कुमार जी जो है प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उद्घाटन करने जा रही है, और रोड बनी नहीं है, उसका पॉलिटिक्स का ये पूरा खेल खेल रहा है। राम जानकी मंदिर से लेकर नेशनल सिनेमा तक जाने वाली सड़क पुरानी मुनसफी मोहल्ले की यह सड़क है, जिसका शिलान्यास महापौर बैजंती देवी खेरिया 3 महीने पहले रखी थी, और उन्होंने कहा था कि युद्ध स्तर पर काम होगा। खूब डब्बे भर के लड्डू भी बटे थे और बहुत ही खुशी से काम का शुभारंभ का कहा गया था, लेकिन दूसरे ही दिन जोरदार बारिश में वह शिलापट भी ढह गया था। और उसके बाद फिर अब जबकि मुख्यमंत्री ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर नल का जल और पक्की गली नाली योजना का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, तो पुनः एक बार इस वार्ड में आस जगी है और शिलापट पर लगा करके और इसका उद्घाटन शिलान्यास किया गया है, ताकि इस सड़क का काम पुनः शुरू हो जाए। हालांकि इस पे दूसरे पार्टी के जो नेता हैं, राजद नेता, वह कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक दिखावा है, समाज बदल रहा है, लेकिन यह सड़क नहीं बना, विकास के दावे सिर्फ एक छलावे हैं। नगर निगम महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर अविश्वास प्रस्ताव का दौर, शनिवार को तिथि तय, दोनों खेमे में गोलबंदी जारी, अपने अपने दावे, देखना है कि क्या होता है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त है, वहीं जो विपक्षी खेमा है 24 पार्षदों ने उन पर अविश्वास लगाया है, और इन लोगों का कहना है कि वे जाएंगे और वहां जाकर उनके विरोध में वोट देंगे। हालांकि इन पार्षदों ने अन्य पार्षदों से भी अपील की है कि आप अंतर आत्मा की आवाज पर वोट दें। नगर निगम में 3 वर्षों में महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने अपने पद के अनुरूप अगर कार्य किया है तो उनके पक्ष में वोट दीजिए, और नहीं किया है तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दीजिए। मालूम रहे कि 2 वर्ष बाद ही 9 जून 2017 को महापौर का चुनाव हुआ था, और 2019 9 जून को ही अविश्वास लग सकता था, लेकिन 1 वर्ष 2 महीने तक अविश्वास नहीं लगा। पिछले 8 माह 3 दिसंबर से बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, कोरोना काल और बाढ़ की मार के बीच बोर्ड की बैठक नहीं होने से पार्षदों को नहीं पूछे जाने पर जनता का आक्रोश और पार्षदों का गुस्सा, और अंततः 24 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किया। अब अगर 24 पार्षद, हालांकि 16 पार्षदों के हस्ताक्षर से ही अविश्वास लग सकता था, लेकिन महापौर बैजंती देवी खेड़िया को गिराने में 24 पार्षदों का विरोध चाहिए। अगर इतनी उपस्थिति नहीं होती है तो उनकी गद्दी बच जाएगी। जो विपक्षी खेमे के पार्षद है उनका कहना है कि आप जाएं जरूर, अन्यथा आप नहीं जाएंगे तो जनता समझेगी कि आपने धन के बदौलत महापौर बैजंती देवी खेड़िया को समर्थन किया है, आप अनुपस्थित रहे, इसलिए आप जाइए और लोकतंत्र की रक्षा कर करके अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। महापौर की कुर्सी बचेगी या जाएगी, यह तो शनिवार को फैसला होगा। नगर निगम की महापौर बैजंती देवी खेड़िया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को चर्चा होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसे लेकर महापौर और विपक्षी खेमे में जोर आजमाइश भी जारी है। मालूम रहे कि नगर निगम के 48 में से 24 पार्षदों ने महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। महापौर बैजंती देवी के खेड़िया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में लाया गया है, जिसे लेकर
विपक्षी खेमे में जोर आजमाइश भी जारी है। हालांकि महापौर पूर्णता से आश्वस्त हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन उनके काम और जनता के आक्रोश के कारण कई पार्षदों ने 24 पार्षदों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया है और शनिवार को इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद ही यह तय हो सकेगा कि महापौर की कुर्सी जाती है या रहती है। कोरोना वायरस के संक्रमण रोकथाम करने के उद्देश्य से नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में सैनिटाइजर छिड़काव किया गया। बहुत दिनों के बाद यह एक तरह से जो शुरुआती अभियान है उसमें चल रहा था, लेकिन नए नगर आयुक्त के आने के बाद आज ये नई चीज दिखी गई। नगर निगम की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया, सैनिटाइज किया गया। हालांकि नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार मीना के कार्यभार संभालते हैं यह एक नई पहल दिखी कि सभी वार्डों में सड़क पर घूम घूम कर नगर निगम के सफाई कर्मी सैनिटाइज कर रहे हैं इलाके को। जैसे कौन कौन सा वार्ड में अभी तक आपने सैनिटाइज किया? वार्ड में 48 वार्ड में हम लोग काम किए हैं। आपातकाल नियम में तो बुलाया जाता है। अच्छा, तो वहाँ भी जाते हैं। तो ये कितने? और नए नगर आयुक्त मनीष मीना ने पदभार ग्रहण किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम में पिछले एक वर्ष से वे नगर आयुक्त थे। वर्तमान निवर्तमान जो पूर्व नगर आयुक्त है घनश्याम मीना, उन्हें बिहार से विरमित कर दिया गया। अम्बेडकर नगर जिला में वे वहाँ DDC बनाए गए हैं और मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त को दरभंगा भेजा गया, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने कार्यभार संभाला, अपनी कुर्सी संभाली और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सबसे सर्वप्रथम महापौर बैजंती देवी खेरिया के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि कल इसकी घोषणा होगी और कल ही जीत तय होगा। अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी। कार्यभार के उपरांत पार्षदों के द्वारा नगर निगम पूरे परिवार के द्वारा नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना का अभिवादन किया गया, सम्मान किया गया। मालूम रहे कि पूर्व नगर आयुक्त घनश्याम मीना अंबेडकर नगर जिला में DDC बनाए गए हैं और नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना जो कि मुजफ्फरपुर में नगर आयुक्त थे और यह उनका दूसरा कार्यकाल है, जो दरभंगा के नए नगर आयुक्त बनाए गए हैं। नगर निगम में अभी हमने प्रभार लिया है क्योंकि शहरी क्षेत्र में विकास के अलावा अन्य विभिन्न तरह की चुनौतियां रहती हैं। निश्चित रूप से कचरा प्रबंधन और जल निकासी की समस्या उनमें से मेजर समस्या है। दरभंगा नगर निगम में भी एक मेजर चुनौती के रूप में है और हम लोग पूरे टीम वर्क के साथ इस दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिकता प्रदान करेंगे। सबसे पहले आप ज्वाइन किया है वो अभी ऑफिस से हम लोग पता करते हैं और उसका जो भी प्रक्रिया होगा वो तो क्योंकि लीगल प्रोसेस है, वो सब राजनीतिक प्रक्रिया है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंदगी का अंबार देखते हैं नगर निगम नए नगर आयुक्त के लिए चुनौती। ये जो गंदगी है, ये जो कूड़े का ढेर है, उन्हें आते ही इसका सामना। अविश्वास प्रस्ताव पर निबटते हैं, महापौर रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसके बाद दूसरी चुनौती कोरोना काल में कचरे का उठाव, गंदगी के अंबार को कम करने। और शहर में गंदगी का अंबार एक बड़ी चुनौती नगर निगम के लिए, नए नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना के लिए। हालांकि उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि शहर के सौंदर्यकरण, शहर की साफ सफाई और शहर में नियमानुकूल सारे कार्यों का निर्वहन करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, ये रोज का खेला यही है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि 9 बजे से पहले सारा कचरा उठ जाए, लेकिन सारा का सारा दिन यहाँ पे कचरा डंप होता रहता है। इतनी बदबू आती है कि यहाँ पे व्यवहार करना मुश्किल है। ये सामने में खड़े हैं, इन लोगों से पूछिए, सामने में दुकान है इन लोगों की, कितनी परेशानी होती है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सूबे के हर शहरी वार्ड पंचायत के वार्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ नल जल योजना सहित नाली गली योजना, सड़क निर्माण इत्यादि का किया उद्घाटन। हर जगह प्रोजेक्टर टीवी लगा, लोगों ने देखा कार्यक्रम। उद्घाटन एक छलावा, जन अधिकार पार्टी ने शिलान्यास पट पर काली पोत, जताया विरोध। विकास के उद्घाटन के बीच एक सड़क का हाल बेहाल, विकास को मुंह चिराती ये सड़कें वर्षों से इंतजार में कि लोग इस पर आराम से चल सके। और महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्ष के दावे, महापौर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त तो विपक्षी खेमा का भी लगातार जोर। मास चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है, चाहे नगर थाना हो, लड़ी आश्रय थाना, और 50 रुपए का फाइन, साथ साथ गाड़ी की भी चेकिंग। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सुरक्षा, पूरी एहतियात से निकलें, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और इसी के तहत लहरियासराय थाना क्षेत्र में भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। नहीं रहने पर 50 रुपये फाइन काटे गए। हालांकि नियम के अनुकूल यह भी है कि 50 रुपये फाइन काटे तो उस व्यक्ति को जिसके पास मास्क नहीं है उसे मास्क उपलब्ध कराएं। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने अपने कई मांगों को लेकर धरना। अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा ने धरना दिया पोल मैदान के धरना स्थल पर। सरकारी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन वसूली पर 21 मार्च 2021 तक रोक लगाओ। रोक लगाओ। सरकारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा लोन वसूली पर 21 मार्च 2021 तक रोक लगाओ। छोटा मोटा लोन देता है, लोन का मतलब जो व्यापार करने के लिए या धंधा करने के लिए लोन दे रहा है, जब धंधा बंद है तो स्वयं उसको नहीं मांगना चाहिए। और स्वयं सहायता वाला आता है, ग्रुप सबको बैठा करके महिला ग्रुप को जैसे तैसे जो है बात गाली देता है, कहता है सोना बेचो चांदी बेचो। इसलिए हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो है से लोन माफ करे। देश में हमारा महिला संगठन के ओर से हम लोग सरकार से मांग करते हैं, जो सरकार लंबी लंबी सवाल करते हैं, आज जो हमारा बड़े पैमान पर महिलाओं ग्रुप लेकर के लोन लेकर के अपना रोजगार करता था आ कर रही है, और सरकार कह रही है जो लोन दूसरी तरफ जो हम माफ़ कर रहे हैं, बारह बारह अडवाणी के लोन माफ़ कर दिया है सरकार, और हम सरकार से मांग करते हैं जे लोन के माफ़ी। जेईई एवं नीट परीक्षा को रद्द करने के उद्देश्य से जिला युवा कांग्रेस ने पुतला दहन। जेईई एवं नीट परीक्षा को रद्द करने के उद्देश्य से जिला युवा कांग्रेस ने पुतला दहन किया। आह्वान पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों का कहना है जेईई नीट का जो परीक्षा है वो अविलंब सरकार डिसीजन ले और रद्द करे। इसलिए जो सेंटर तक आदमी पहुँच नहीं सकता है, इतना 200-400 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूरी तय करके कैसे जाएगा, सरकार क्या उसका व्यवस्था किया है, ये सरकार को सोचना है। इतना महामारी का दौर चल रहा है, जब तक ये महामारी का दौर खत्म नहीं होता तब तक इनको परीक्षा रद्द रखना चाहिए। ऐसे ही उनको हर परीक्षा में स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए, जो प्रमोट करने वाला नहीं है उस परीक्षा को रद्द करे। सदर प्रखंड के शाहबाजपुर पंचायत के भुलका चौक पर एक संस्थान का उद्घाटन जदयू नेता।
सदर प्रखंड के शाहबाजपुर पंचायत के भलुका चौक पर बिरयानी हाउस का उद्घाटन जदयू नेता लाडले ने फीता काट कर किया। तो नामी है बिरयानी, यहाँ चिकन बिरयानी, चिकन चिल्ली, चिकन फ्राई, चिकन लॉलीपॉप, तंदूरी रोटी, चिकन कढ़ाई वगैरह मिलेगा। सबसे मुबारकबाद है इनको जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को या इसको स्टार्ट किया है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपको पता है कि आज हम लोग बिरयानी हाउस होलका निज बाजार समिति दरभंगा का उद्घाटन करने आए हैं, और अभी अभी हमारे बुजुर्ग रहनुमा जनाब गुलाब साहब और डॉक्टर इसारुल हक साहब मुखिया जी और तमाम लोगों के बीच, तमाम लोगों के सहयोग से, तमाम लोगों के कोऑपरेशन से इसका उद्घाटन। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सूबे के हर शहरी वार्ड पंचायत के वार्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ नल जल योजना सहित नाली गली योजना, सड़क निर्माण इत्यादि का किया उद्घाटन। हर जगह प्रोजेक्टर टीवी लगा, लोगों ने देखा कार्यक्रम। उद्घाटन एक छलावा, जन अधिकार पार्टी ने शिलान्यास पट पर काली पोत, जताया विरोध। विकास के उद्घाटन के बीच एक सड़क का हाल बेहाल, विकास को मुंह चिराती ये सड़कें वर्षों से इंतजार में कि लोग इस पर आराम से चल सके। और महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्ष के दावे, महापौर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त तो विपक्षी खेमा का भी लगातार जोर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप लगातार अपना ख्याल रखिए। कोरोना को हराना है और आप कोरोना योद्धा है, लगातार आपने संघर्ष किया है 5 महीने से, और ये आगे जारी रहेगा तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। हमें बच के रहना है कोरोना से, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी अपनाना है, कोरोना को भगाना। नमस्कार, जय हिंद।